फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, नए किरदार से नई जर्नी शुरुआत हो रही है आपकी, कितने एक्साइटमेंट हो इस जर्नी के लिए? जो ये कैरेक्टर, ये बहुत लविंग कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार मिल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आशीष सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने लविंग, इतने पॉपुलर कैरेक्टर को इन्होंने इतना मतलब जिम्मेदारी वाला काम इन्होंने मेरे कंधों पे रखा, तो उसके लिए सर दिल से धन्यवाद आपको जेन्युइनली। और एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं, पेरेंट्स एक्साइटेड है, मैं एक्साइटेड हूँ, और मेहनत ज़्यादा है क्योंकि जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने लोग प्यार करते, तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा प्यार मैं उनका कमा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा सर ने शो को एक लेवल तक पहुँचा के लेके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा शो के लिए क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं इसलिए एक्साइटेड और मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, अभी नीतीश ने बहुत अच्छी बात कही कि उसको दर्शकों का प्यार चाहिए। जब हमने कहा कि तू टप्पू का रोल करेगा तो थोड़ा ये भी हो गया, नर्वस भी हो गया कि टप्पू का रोल, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इसको टप्पू के कैरेक्टर को बहुत प्यार दिया है। उसने कहा सर मैं बहुत मेहनत करूँगा, बस आप मेरे को इसमें सिलेक्ट कर दीजिए और मैं टप्पू के रोल में कुछ बाकी नहीं रखूँगा। और मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी कि उसने दर्शकों का ध्यान दिया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग जो भी है आज दर्शकों की वजह से, अभी ये शो हमारा नहीं है, हमारे दर्शकों का है। तो बस वो मेहनत करने के लिए तैयार था, और हमारी टीम भी ऐसा अच्छा टप्पू मिल जाए मस्त, तो हम लोग भी तैयार है। तो ये टप्पू का गोकुलधाम सोसाइटी में आगमन बस अभी चालू हो जाएगा, और आप सभी का हमको शुभकामनाएं चाहिए, गुड विशेस चाहिए, है ना टप्पू? बिल्कुल सर। सर आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसे दो क्वालिटीज जो उनमें आपने बहुत ही ज़्यादा खास लगी होगी, आप अगर शेयर करना चाहेंगे। नहीं, ऐसे तो पॉजिटिव है, हंसता हुआ चेहरा है, और अपने काम में आस्था रखता है, और हमेशा एक शब्द बोलता है मेहनत। तो इससे मैं खुद प्रभावित हो गया कि सर मैं मेहनत करूँगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जो आदमी मेहनत करने से नहीं घबराता है और मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो बस दर्शकों को एक ही मेरा अनुरोध है कि ये टप्पू को प्यार दे और टप्पू को स्वीकार करे। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा, एक साल से हम लोग, अधिक समय से हम लोग मिस कर रहे थे, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी मिस कर रही थी, तो अब ये टप्पू आपके सामने हाजिर है रोज हल्ला गुल्ला और मस्ती करने के लिए। पर जिस तरह रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि जो पहले टप्पू थे उनको रिप्लेस किया जाए, उसकी चर्चा हुई थी कभी कास्टिंग को लेके, उनकी फिर से री एंट्री करा दे? नहीं, देखिए हम सभी के लिए ओपन है, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमको महीने के 26 एपिसोड करने हैं, और आज 15 साल हो गया, विश्व में सबसे लंबा चलने वाला ये कॉमेडी सीरियल है, आज भी लोग 8:30 बजे सीरियल देखते हैं। तो ये शो में कमिटमेंट चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि रोज का शो है, और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है। आज हिंदुस्तान तो क्या, विदेश में भी ये शो घर में सब लोग प्यार से देखते हैं, तो बस हमको ये प्यार कायम बना के रखना है, तो उसके लिए मेहनत होनी चाहिए। तो जो लोग भी ये शो करना चाहते थे या करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो ये मेहनत नहीं कर पाते, उनको छुट्टियाँ चाहिए होती है, हम ये नहीं करेंगे, ये रोज का कमिटमेंट है। तो हमने वही देखा कि जो लोग उसके लिए तैयार थे, तो उनका ही हमने कास्टिंग किया, और 6 महीने से या पूरे 1 साल से हमने न जाने कितने लड़कों का ऑडिशन टेस्ट लिया, कितने लोगों को मिले, इंटरव्यू लिया, लुक टेस्ट किए, तो बहुत मेहनत की, मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की, और अल्टीमेटली हमने ये टप्पू को हमने चुना। नीतीश, आपसे जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है टप्पू के कैरेक्टर अगर निभा रहे हैं? हाँ, टप्पू के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे लगता है कि प्यार पाना, ऑडियंस का प्यार पाना। कैरेक्टर तो मैं करूँगा वो, और मैं अपनी तरफ से बेहतर करूँगा,
बट ऑडियंस मुझे कितना प्यार देगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी प्यार करती है टप्पू को, अब मेरे को उस लेवल से और ज़्यादा चाहिए. तो ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है और मुझे वही चाहिए. टप्पू में क्या कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है, जिस तरीके से टप्पू बदल रहे हैं कैरेक्टर, कैसे आप बताना चाहेंगे? टप्पू में क्या कुछ नया? टप्पू के लिए बहुत कुछ नया होगा, क्योंकि अब टप्पू सेना बड़ी हो गई है. अभी वो छोटी टप्पू सेना नहीं है जो तो हल्ला गुल्ला मस्ती तो बच्चे लोग करते ही, हम भी करते हैं. तो ये टप्पू सेना के साथ बहुत सारी नई कहानी होगी. वो अभी कुछ कंपनी में जॉब करने जाएंगे, अभी ये बड़े हो चुके हैं, अभी पढ़ लिख चुके हैं. हमको दर्शक हमेशा कंप्लेन करते हैं कि टप्पू सेना बड़ी हुई कि नहीं, कि हमेशा बस खेलती रहती है. तो बस अभी उनकी स्टोरीज होगी, उनका घूमना फिरना होगा, और जो मम्मी पापा के साथ जो भी जनरेशन गैप होता है, जो भी कुछ छोटे मोटी अभी उनकी जो सपने हैं, उनकी जो इच्छा है, उसके ऊपर हम लोग स्टोरी में ध्यान देंगे. तो गोकुलधाम यानी यह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी टप्पू सेना का रंग मस्ती वाला तो होगा, टप्पू सेना के साथ शरारतें कभी भी दूर नहीं जाएगी, लेकिन बहुत सारी नई स्टोरीज आएगी. ये बहुत सारी नई स्टोरीज आएगी, तो इससे उम्मीद है कि मैं दर्शकों को और एक नए मुकाम पे लेके जाऊंगा. पिछले एक दो साल की मैं अगर बात करूं, काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट हुए, तारक जी रिप्लेसमेंट हुए, फिर सोनू काफ़ी समय पहले रिप्लेस हुई जो पलक निभा रहे, जो एक्सेप्टेंस मिलता है सोनू के किरदार को मिल गया, तारक मेहता के किरदार, सोडी जी के किरदार को जो एक्सेप्टेंस लोगों से मिलता है वो काफ़ी शानदार है. पर लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि दया भाभी की रिप्लेसमेंट कब होगा, क्योंकि कितने सालों से वो एक रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. सर अगर आप उस पर कुछ अगर कहना चाहोगे, लोगों की काफ़ी मांग है कि उनका भी कोई किरदार आए, क्या कोई उनका रिप्लेसमेंट, या फिर दया भाभी जो पुरानी दया भाभी थी वही आए. देखिए अब तक जो सब सवाल थे ना सब बराबर थे, अब ये दया भाभी कब आने वाली वो एकदम आप बॉलिंग के अंदर गुगली डालते थे. तो इसका जवाब देना थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन अभी हम सब लोगों ने यानी पहले से ही हमने सब लोगों ने मन बना लिया है कि मैं बार बार कहता हूँ कि पुराने दया भाभी दिशा वाकानी आते हैं तो हमारी बहुत इच्छा है. हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वही ये शो ये किरदार करने वापस आ जाए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि उनका कुछ अभी एक पारिवारिक जीवन है और वो अपने पारिवारिक जीवन को प्राधान्य दे रहे हैं, तो उनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. लेकिन अब टप्पू आ गया तो नया दया भाभी भी जल्दी आ जाएगी. दया भाभी का वही गरबा डांडिया सब गोकुलधाम सोसाइटी में शुरू हो जाएगा. थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए, क्योंकि दया भाभी का किरदार के लिए वो पात्र को ढूंढना, वो आर्टिस्ट को ढूंढना भी एक कठिन काम है, और हमको रोज़ एपिसोड भी बनाने हैं, तो वो ट्रैक भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके लिए थोड़ा बहुत हमारा डिले चल रहा है, लेकिन मैं दर्शकों की मांग समझ सकता हूँ कि वो दया भाभी को मिस कर रहे हैं. मैं भी मिस करता हूँ, मेरा परिवार भी मिस करता है, लेकिन अभी ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा देर नहीं है, अभी दया भाभी जल्दी दिखेंगे. और कुछ? थैंक यू सर। और अगर आप नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ लोग बदल रहे हैं, तो अभी देखिए 15 साल का जर्नी है. आज 2008 में हमने शो चालू किया था, ज़्यादातर सब आर्टिस्ट वही है, कुछ लोग बदले हैं कि जिसके कारण सबके अलग अलग है. मैं वो कारणों में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं सबको जोड़ के रखता हूँ. हमारे शो के अंदर कभी भी कोई उस टाइप से कभी झगड़ा या कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती है. मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये जो मेरी टीम है 2008 से, चाहे वो चाय देने वाला स्पॉट बॉय हो, मेकअप मैन हो, ड्रेस मैन हो, हम सब एक परिवार है, एकजुट रह के काम करते हैं, एकजुट है. लेकिन अभी कोई काम करना नहीं चाहे, किसी की कुछ समस्या हो, किसी की कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्या हो, किसी को अभी जीवन में और कुछ करना हो, तो हम लोग समझाते हैं, और क्या कर सकते हैं. बाकी कोई हमारी वजह से कोई शो छोड़ के जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है. और जो भी मीडिया में समाचार आते हैं कि भाई हमने किसी के पैसे नहीं दिए या कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं किसी का मेहनत का पैसा मेरे जेब में रख के क्या करूं? भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सबसे ज़्यादा तो मुझे प्यार दिया है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के पैसे नहीं दूँ ये करूँ, क्योंकि आज मुझे खुशी है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ.
आज ईश्वर ने हमको वो काम दिया है जिसके लिए हमको निमित्त बनाया है। तो ये सारी बातों के ऊपर जो सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसका विश्वास न करें। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको सामने से आके बोल देंगे कि भाई हमारी गलती हो गई या जो भी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम एक ही है, सबको हंसाए रखो। 8:30 बजे जब दर्शक आते हैं तो बस हम अच्छे से अच्छा एपिसोड बना के उनके सामने दें। हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर सभी वही मेहनत करते हैं। थैंक यू।